नमस्कार, मैं अर्चना राय और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 16 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और 95,722 मौतें हुई हैं। अमेरिका इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां 4,68,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं और 16,691 मौत हुई है। वहीं ब्रसेल्स में ईयू के चेयरमैन मैरियो सेंटिनो की अगुवाई में हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि यूरोप में स्पेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। स्पेन में 1,92,446 पॉजिटिव केस मिले हैं और 15,000 से अधिक मौतें हुई हैं। अमेठी में सपा के गौरीगंज विधायक की जन सेवा से प्रभावित होकर जिला पंचायत के अध्यक्ष ने पंचायत निधि से प्रदेश के कोविड-19 फंड में 11 लाख रुपए दान दिए। अध्यक्ष ने जिला पंचायत अधिकारी और विधायक के माध्यम से प्रशासन को इस धन राशि की रसीद सौंपी। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। अयोध्या में बीते दिन शबे बारात पर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। इसके बाद पुलिस की टीम ने रूट मार्च निकाला। इस दौरान रुदौली कस्बे में रहने वाले लोगों ने पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए। इसके अलावा इन्हीं लोगों ने सफाई कर्मियों को भी कपड़े दिए। वहीं पुलिस वालों ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए त्यौहार घरों में ही मनाने को कहा है। पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने निकले, पर देखा कि लोगों का जो अपना एक इसके प्रति जो सम्मान है लॉकडाउन के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान है, और क्योंकि हमें सब कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, तो लोग हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिस तरह मोहल्ले वासियों ने हमारा स्वागत किया, ये बहुत ही अच्छा है। हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हमारे साथ जो टीम है और बेहतर करने के लिए कतिपय और अच्छा करें इसके लिए प्रतिबद्ध होती जा रही है। इन सब के लिए इन सब का बहुत आभार और मीडिया कर्मियों का भी बहुत आभार। लॉकडाउन के बीच पुणे से 53 लोग गाड़ी में सवार होकर बिना किसी रोक टोक के बस्ती पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद एक पुलिस वाले ने इन लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये सभी लोग महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं। फिलहाल इन लोगों में से किसी में भी कोरोना के संक्रमित होने की जानकारी नहीं है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की चौकस व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। जिनको यहाँ पर सनहा पुलिस द्वारा रोका गया और उनको जो हमारे यहाँ सावित्री विद्या विहार में शेल्टर होम बनाया गया, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करा दी। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सीतापुर को सील कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मिले हैं, लेकिन शहर के कुछ इलाकों में लोग अभी भी लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर से लेकर गैस वितरण और बैंकों में लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। इस तरह से यह प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वहां पे लोगों का बाहर निकलना या बाहर के लोगों का उस कस्बे में जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। साथ ही साथ वहां पे जो बैंक हैं या पोस्ट ऑफिस है, इसके अतिरिक्त दुकानें हैं या मेडिकल स्टोर है या राशन की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने 15 जिलों को सील कर दिया है। सील होने के बाद कानपुर में हमारे संवाददाता रिजवान आलम ने इसका जायजा लिया। लॉकडाउन का आज 15वां दिन है। इससे पहले लॉकडाउन की जिलाधिकारी द्वारा छूट दी गई थी, पर अब वहीं संक्रमण बढ़ने के कारण संपूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया। प्राइम टीवी आपसे ये निवेदन करता है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कानपुर से प्राइम टीवी इंडिया के लिए रिजवान आलम।